हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मानसून में एसी को बनाएं और बेहतर रखें इन बातों का ध्यान। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के दिनों में एसी घरों का अहम हिस्सा बन जाता है। मानसून के सीजन में एसी का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि वह अपना बेस्ट काम कर सके। समय समय पर मेंटेनेंस का ध्यान रखने से एसी ज़्यादा ठंडा करते हैं और बिजली की खपत भी कम होती है। तो गाइस, आपको इन दो पॉइंट का ध्यान रखना होगा मानसून के सीजन में। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज। जहाँ पर भी मानसून के सीजन में बिजली बार बार जाती है या कम वोल्टेज की शिकायत रहती है, वहाँ वोल्टेज स्टेबलाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एसी को कम वोल्टेज और पावर कट से बचाता है। पावर कट या कम वोल्टेज से एसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है। तो गाइस, सेकंड पॉइंट है नमी पर ध्यान रखें। बाहर के मौसम में नमी का ध्यान रखें। सामान्य नमी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नमी से एसी ख़राब होता है। बारिश के मौसम में एसी को ड्राई मोड पर चलाएं। ड्राई मोड पर नमी हट जाती है। बारिश के मौसम में एसी की आउटसाइड यूनिट का भी ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी पत्तियां आदि ना चली जाएं। गंदी कंडेंसर कोयल से भी एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम होती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। तूफान जैसे मौसम में एसी को बंद रखें। तूफान के मौसम में आउटसाइड यूनिट के फैन के ख़राब होने का डर होता है, इसलिए ऐसे मौसम में एसी बंद रखने की सलाह दी जाती है। एसी कोयल की समय समय पर सफाई करते रहें ताकि आउटसाइड यूनिट ठीक रहे, क्योंकि आउटसाइड यूनिट ठीक होने पर ही एसी ज़्यादा ठंडा करेगा। एसी चलाने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दें ताकि एसी कमरे को जल्द ठंडा कर सके। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।